तेरे चेहरे में वो जादू है, मेरी डोरी खींचा आता हूँ, जाना होता है और मेरे दोस्त। हाँ दोस्त तूफान सिंह, मेरे दोस्त तुम्हें मालूम होना चाहिए चम्मल के अंदर किसी मजलूम की रोने की आवाज जाती है। आज हम और तुम इसका पता लगाएंगे। सुनो मेरी बात, कहिए दोस्त भाई। ततार तुझम की भरी अरिश पिया पाओ मेरी तार। नहीं आ रही मेरे कान में आवाज है, कर रहा है रुदन जैसे कोई दुखिया सुनो, ऐसी आवाज है ऐसी। तूफान सिंह बोलो, तुम्हें मालूम चाहिए कि ये कोई बवाली भी हो सकता है। बचा मालूम पड़ता है कि पुलिस से हमारे तुम्हारे हाथ धोकर के पीछे पड़ी है। हो सकता है कोई पुलिस का मुख पर भी नाटक बना सकता है। कहते हो मेरे दोस्त, इसलिए हाँ दोस्त करो तो फैल जाओ अभी, और तुम सब चारों तरफ फैल। चारे तरफ आज चल कर अफे तुमसे, कौन मुख भी रह आयो अरबिया पान में भटक जाना उसे आ चुप। पहाड़ी के पीछे हम लोग छिपते हैं और जो ये दुखी अरोधन मचा रहा है ये सामने आएगा तब हम लोग इसे पहचान लेंगे। सच कहते हो, पहले साइड में तुम लग जाओ और बाएं साइड में ये तूफान छिप कर उस मुखबिर को रोकता है। लग जाओ पहले। ये मैं क्या देख रहा हूं, नसरत अड्डा को तूफान सिंह काली पहाड़ी पे पाया जाता है, लेकिन ये काल पहाड़ी तो आज सुनसान नजर आ रही है। अरे डाकू तो दूर, यहाँ कोई परिंदा भी नजर नहीं आ रहा है। लगता है हमने खबर झूठी सुनी थी। खैर कोई बात नहीं है, अब हमें अकेले ही सामना करना पड़ेगा। जिंदगी रहे या चली जाए, अपनी प्रतिज्ञा से पीछे नहीं हटूंगा, चलता हूं और दुश्मनों की तरफ पैगाम पढ़ाता है। एक बात पता नौजवान, इस चैनल के अंदर आने का कारण क्या है और तुम्हारा नाम क्या है और तुम किस जगह के रहने वाले हो, डाकू तूफान के रास्ते में क्यों आए हो, इसका क्या मतलब है? बताऊंगा सरदार जी, मैं एक फौज कमांडर, मेरा नाम धर्म सिंह है, लेकिन मैं आपको कोई नुकसान पहुंचाने यहां नहीं आया। तो फिर तुम यहां पर किस लिए आए हो? मैंने यह सुना था कि डाकू तूफान सिंह गरीब और मजलूमों की हमेशा मदद करता है, और हमने यही सोचकर सरदार जी आपके इस काली पहाड़ी पे आने की जरूरत की, क्योंकि हमें आपसे कुछ मदद चाहिए। अगर आप हमारी मदद करें तो मैं आपको अपनी कहानी अवश्य बताऊंगा। अगर ये नौजवान तुम चम्मल के अंदर आए हो, तूफान के शरण में आए हो, तुम्हें मदद चाहिए तो बोलो चम्मल में आने का कारण क्या है और तुम्हारा मुझसे क्या मतलब है। खुलकर मुझसे बात करो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए हर समय तैयार हूं।
सरदार जी, आपने गांव चांदपुर का नाम तो सुना होगा। यह तो बनारस जिले के अंदर चांदपुर गांव है, जहाँ पर अच्छे अच्छे रईस लोग रहते हैं, किसी की नजर में कभी वो गरा नहीं करते। बोला तुम्हारा चांदपुर से क्या रिश्ता है? अगर आप चांदपुर गांव को जानते हैं सरदार जी, तो आप ये भी जानते होंगे कि वहां एक ठाकुर अमर सिंह रहते थे। सच कहते हो, अमर सिंह नाम का एक व्यक्ति ऐसा रहता था जो कि अपनी जनता की हर समय हिफाजत करता था, जनता से मोहब्बत करती थी और जनता से अमर सिंह मोहब्बत करता था। झूठ है ये, अगर जनता इतनी मोहब्बत करती थी तो उस इंसान को सरदार जी, अगर आप अपनी कहानी सुनेंगे ना, तो आपके पर तले की जमीन खिसक जाएगी। जिस समय मैं सिर्फ एक साल का था, सरदार जी आपको मैं बता देना चाहता हूँ, मैं उसी ठाकुर अमर सिंह का बेटा हूँ। जिस समय मैं एक साल का था, उस समय तीन हरामजादों ने अपना षड्यंत्र रचा। उस षड्यंत्र में शामिल था ठाकुर समर सिंह, लाला कुंज बिहारी और मेरा सगा चाचा जिसका नाम था ठाकुर भूपेंद्र सिंह। जानते हो इन लोगों ने हमारे साथ क्या किया? उन लोगों ने मेरे पिता को धोखे से नशीला पदार्थ खिलाया और जब मेरे पिता की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, तो उस साले समर सिंह ने धोखे से मेरे बाप के पीठ पे गोली मारी। सरदार जी, उस समय मैं सिर्फ एक साल का था, लेकिन सरदार जी बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। एक हमारे बाबा जिनका नाम श्यामू माली था, वो हमारे यहां नौकरी करते थे और हमारे बाप के मर्डर के इल्जाम में उन हरामजादों ने श्यामू माली को फंसाया। उस बेचारे ने 20 साल जेल की सलाखों के पीछे गुजार दिया हम लोगों को बचाने के लिए। मैं सोचता हूं काश अगर ये सब दौलत के लिए हुआ था तो उन लोगों ने मुझे मार दिया होता और मेरी सारी दौलत उनकी हो जाती। क्या कसूर था मेरे बाप का जो उन लोगों ने उन्हें मार दिया? सरदार जी, मैं उनसे बदला लेना चाहता हूं। परंतु अगर तुम अपने दुश्मनों से बदला लेना चाहते हो तो तूफान तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार है। बदला तुम क्या लोगे? बैठो इस चम्मल के अंदर, मैं जा रहा हूं तुम्हारे दुश्मनों को दुनिया से मिटाकर वापस। सरदार जी, अगर यही करना होता, मैं अगर चाहूं तो कुछ घंटों में ही इस चांदपुर गांव को तहस नहस कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा करके पता नहीं कितने इज्जतदार और शरीफ इंसानों की जान का जोखिम बन सकता है। मैं ऐसा करना नहीं चाहता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जैसे मैं अनाथ हुआ हूं कोई लड़का अनाथ हो, इसलिए मैं खून खराबा नहीं होना चाहता। और सरदार जी, आपको सिर्फ हमारी इतनी मदद करनी है कि जिस समय मैं अपने प्रतिशोध को पूरा करूं, उस समय तुम पुलिस का रास्ता रोको। पुलिस का रास्ता अगर आप लोग रोक लेंगे तो मैं आसानी से उन हरामजादों को वहां से उठाकर इसी काली पहाड़ी पे लेकर आऊंगा। बात रही पुलिस रोकने की, अगर मेरे रास्ते में अगर पुलिस आएगी तो पुलिस का कोई भी बच्चा नहीं बचेगा। हम ये भी नहीं चाहते सरदार जी। फिर तुम क्या चाहते हो? क्योंकि अगर पुलिस वाले मारे गए तो भी किसी का सुहाग उजड़ेगा और शायद आप नहीं जानते सरदार जी, उस पुलिस की भीड़ में एक मेरा भाई भी है।
ठाकुर भूपेंद्र का लड़का जिसका नाम है इंस्पेक्टर बीर सिंह। करण सिंह तो जिसे अपना भाई मानता है वो तेरा भाई नहीं बल्कि वो तेरा जान है। नहीं सरदार जी, कहते हैं कि भाई भाई की दाहिनी भुजा होता है। अगर भूपेंद्र सिंह ने भाई होने का फर्ज नहीं निभाया और उसने अपने बड़े भाई को मार दिया, लेकिन मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूं सरदार जी, वीर सिंह पर आज भी नहीं आनी चाहिए। भले उसकी गोली हम बे क्यों ना सीना छिला कर छली कर दे, लेकिन सरदार जी तुम उसके ऊपर गोली नहीं चलाओगे। ये हमें वचन दो, अगर आप ये हमें वचन देंगे तभी हम तुम्हें धर्म से कसम है इस माँ भवानी की, मैं तुम्हारा जीते जी साथ निभाऊंगा और कभी तेरा पाल पाकर नहीं होने दूंगा, बल्कि तुम्हें आज से कसम खानी होगी, मेरा कहना मानोगे, इस संसार में छिपे हुए दुश्मनों को मैं नहीं तो अपने दुश्मनों से गिन गिन कर बदले। इसलिए तुम एक काम करो, जो मैं कहता हूं उसे ध्यान से सुनो, तो अपने आंखों से अभी तुमको ऐसा निशाना सिखाएंगे हम, नाम से कांप जाएगा। करता हूं आज मां भवानी की सौगंध खा कि तुम मेरे साथ किसी साथियों के साथ गद्दारी नहीं करोगे और जियोगे वतन के लिए और मरोगे भी वतन। ठीक है सरदार जी, आज मैं इस मां भवानी को साक्षी मानकर कसम खाता हूं कि गरीब और मजलूम और बेसहारों पे कभी जुल्म नहीं होने दूंगा, और जिन लोगों ने मुझे रुलाया है अगर उन्हें हमने ना रुलाया तो मेरा नाम धरा तो खाओ कि कहता कसम आत्मा भवानी की मैं आत्मा भवानी की मैं सारे गिर गिर के बदले चुकाऊंगा। मैं शेष ने आंसू दिया है और मेरी आंख में खून का उसके दरिया। सरदार जी इस समय इंस्पेक्टर वीर सिंह भूपेंद्र सिंह और समर सिंह को गिरफ्तार कर चुका है और वो उन्हें बनारस की सेंट्रल जेल तक ले जा रहा है। अगर वो हरामजादे अदालत पहुंच गए तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा 2-4-5 साल की सजा होगी। नहीं, इस समय अड्डे पे ठहरने का काफी वक्त नहीं है, बड़ा पैगाम चलते हैं चांदपुर की तरफ, पुलिस का रास्ता मैं रोकूंगा, अपने दुश्मनों से गिन गिन कर बदले तुम चुकाओगे, शक्ति दो मांचे। दिखाया है मुझे नीचा, दिखाया है मुझे नीचा, उससे नीचा दिखाऊंगा और लिया ना जब तलक बदला धर्म से। दीवाजी, दीवाजी पकड़ो हथकड़ी और बहुत जल्द इन्हें थाने तक ले जाओ, तब तक लिए हम इनकी चार्जशीट बहुत जल्द तैयार करके इनका चालान बहुत जल्द भेजेंगे, क्योंकि ऐसे भेड़ियों को थाने में देर तक रोकना अच्छा नहीं है। तब तक लिए तुम ले जाओ
और इस सामने से डाकू का जत्था आ रहा है, हमें इन्हें रोकना होगा। बड़ा पैगाम क्या ले जाओ? तूफान तूफान रुक जाओ, तूफान तूफान। देख पहले उंगली का इशारा तेरे लिए काफी है। तूफान को दुनिया से मिटाने का वादा किया है, अब तो चल मेरे साथ। आज तुझे भी काली पहाड़ी पे ले जाएंगे, कल के सारे तुझे पतले चुकाएंगे। चल इंस्पेक्टर। तूफान तूफान, तू क्या समझता है? तू क्या समझता है कि ऐसे वक्त वाले तेरे सामने झुक जाएंगे? लेकिन नहीं, तूफान कहते हैं कि मिट जाएंगे, मिट जाएंगे इस वर्दी को मिटाने वाले, और हमेशा इस वर्दी के सितारे चमकते रहेंगे। तूफान तूफान, देखता तेरे साथी कहां भाग कर जाएंगे, कहां भाग कर जाएंगे। ये पीर सिंह, पीर सिंह इस वक्त गाड़ी में है, और ये सिपाही इसको लेकर जा रहे हैं। मुझे सिपाहियों से इसे छीन लेना चाहिए। भूपेंद्र सिंह समर सिंह, तेरा मुकाम अदालत नहीं, धर्म सिंह की अदालत है। आ रहा हूं मैं। अरे देश तूफान सिंह, तूफान तेरे मरने से क्यों नहीं खत्म होगा? प्यार से चौकीदार और दीवान जी बहुत जल्दी आओ, जाओ उस मुलजिम को लेकर आओ। सर मुलजिम तो भाग गए। क्या मतलब? धर्म सिंह छीन ले गया। अबे इडियट, कहीं का सा, तुझे मालूम होना चाहिए कि 300 के मुलजिम और इतनी आसानी से भाग गए। आओ तो भाग गए। तुम लोग इतनी लापरवाही से ड्यूटी करते हो दीवान जी, साथ में मालूम होना चाहिए कि आप तो ड्यूटी पर तैनात हैं, और फिर भी लाकर से तुमने भगा दिया। क्या तुम्हारे रिवॉल्वर लगा दिया, तुम डर गए और वो यहां से लेकर भाग गए। चौकीदार चौकीदार और दीवान जी और ड्यूटी पर और तैनात थे और मुलजिम के दर पर तैनात थे और मुल्किन के दरमियान और भागो मुल्किन भाई किधर और वो पाजी सैतान। चौकीदार आखिर वो कितनी दूर पहुंचे होंगे? क्या 2 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचे होंगे। चौकीदार बहुत जल्द गाड़ी तैयार करो और अभी उनका पीछा करते हैं। अरे कहां जाएंगे भाग करो, कहां जाएंगे भाग करो, चारों तरफ भय है। अरे कहां जाएंगे भाग करो, चारों तरफ भय है। और यहां भी पहले रुआ बे, क्या बताओ? धर्म सिंह मुझसे वादा करके गया था कि मैं तुम्हारे मुजरिम को तुम्हारे चरणों में डाल दूंगी, लेकिन क्या बताऊं, ये भगवान ने कैसी तकदीर हमारी बना दी है कि ना मेरे पिताजी रह गए हैं और ना धर्म सिंह आया है। कर्ज देख का जल,
ये है तुम्हारे मुलजिम। क्यों, क्या बोल रहे हो कि हमने तुम्हें बचाकर बहुत अच्छा किया, लेकिन तुम ये नहीं जानते तुम शेर की गुफा से निकलकर सीधा शेर के मुंह में आ गए हो। इस लड़की को पहचानता है? मौत बिटिया तनु खोल के दिखाओ। इधर आओ रे पहाड़ी, इधर आओ। एक काम करो, कहते हैं कि बंधे हुए इंसान को और जानवर को कभी नहीं मारना चाहिए। ए! एक काम करो पहाड़ी, इनकी हथकड़ी खोल दो। सामने खड़े हो तो बिटिया बता रहे हो? ओ लौड़िया बिटिया, लौड़िया भैया, ओ लौंडवा, तुम्हारे कुछ बिगाड़ा। और तुमने हमारे साथ जो नाइंसाफी की है वो पहचाना नहीं हमें भैया? हाँ यू तुम क्या कह रहे हो? यह सब आयुष जनता मेरे ग्राम सभा की रहने वाली है। अच्छा, इन लोगों से पूछो हम लोग कितने अच्छे शरीफ इंसान हैं। चलो ठीक है। और रही बात ये, हम तो ये बताना चाहते थे कि आज वास्तव में अगर आप ना आते तो कौन है, कौन है लौंडवा भोसड़ी वाला गाली भे देते हैं। भैया यह बस सब कहते हैं बड़वा सास औलाद बहुत बुआ चौध होते, बुआ का चौदह मारे। अरे हमारे भोसड़ी ना है, मारे तुमका तो जान खादर बरदा फुलाई दी। भैया कुछ कहिया हल, क्या कहना चाहते हो? और हमारे साथ में आगे भैया श्यामा हन्नी से ये 10 रुपए इनाम देते हैं। कार्य भवेंद्र करीब हीने के बुआ का। हेलो हेलो, पैसा ना देखा यहाँ बाबा, सब बात बिगड़ जाए पहले इनके निपट। हेलो हेलो, हेलो हेलो, ए इधर आओ भैया। भैया हम आपको पहचान नहीं पाए, आखिर पहचान पाए? आप हमारे साथ में बहुत बड़ा एहसान नहीं बल्कि भगवान के समान, लेकिन आप हम लोगों को तो जाने दीजिए, यहाँ पे क्यों लाए हो? अब जब हमने तुम्हारे साथ एहसान कर ही दिया है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है?
क्योंकि मैं तुम्हारा ही तो खून हूँ। नहीं जानते हो हमको? हमारा खून? अपने भाई को तो जानते होगे। अरे भैया वही की सारे बात ना करो। वो भाई हमारा नहीं रहा भैया, वो उतना मादर चोद रहा।